हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल क्या होता है, सेल बायोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, है ना, सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल साइकिल क्या होती है, इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपली सेल बायोलॉजी से। तो हम लोग दो टॉपिक सुनते हैं, दो टर्म सुनते हैं बेसिकली। एक को हम बोलते हैं साइटोलॉजी और एक को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो जो हमारी साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है, है ना, जब हम सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करें, है ना, साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी। तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होता है ना, जब हम सेल के स्ट्रक्चर की तो स्टडी करें ही करें, साथ में उसके फंक्शंस की स्टडी करें, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है इसकी स्टडी करें, तो कलेक्टिवली हम उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। कहाँ से निकल कर आई, है ना, कैसे आई सेल बायोलॉजी? तो जो सेल बायोलॉजी है, जब सेल की डिस्कवरी हुई सबसे पहली बार, तब सेल निकल कर आई। तो बेसिकली हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, एक है स्ट्रक्चरल, एक है फंक्शनल, है ना। ये तो हमें सिक्स क्लास से ही पता चल जाता है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। लेकिन क्यों होती है, हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? कोई भी घर बनता है तो बहुत सारे ब्रिक्स को मिलाकर बनता है, वैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, है ना। अब जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है वो सब सेल की वजह से ही होती है। जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ सेल की वजह से हो रही हैं। सेल जो भी परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो टुगेदर इन दोनों को मिलाकर हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं लाइफ की, ठीक है, ये निकल कर आया। सेल की डिस्कवरी की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहली जो सेल की डिस्कवरी की शुरुआत हुई वो इन भाई साहब से हुई थी। इनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहली बार 1665 में अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने टर्म सेल का यूज़ करा कि सेल होते हैं, मतलब इन्होंने कॉर्क पे स्टडी करी थी, डेड सेल थे उसमें, और उन्होंने देखा कुछ चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर है, तो जो इनको इसको इन्होंने नाम दिया सेल। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोग्राफिया में बुक में सेल का जिक्र करा था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर एंटनी वन ल्यूवन हुक है। एंटनी वन ल्यूवन हुक ये भाई साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लाइव सेल देखे पहली बार। इन्होंने क्या किया था, अपनी लैब के अंदर 247 छोटे छोटे माइक्रोस्कोप्स बनाए और उनकी हेल्प से जो रेन वाटर था, है ना, रेन वाटर के अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स थे उन्हें इन्होंने उनको देखा और उनको क्या नाम दिया, इन्होंने उनको बोला एनिमल क्यूर। एक मिनट, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स बनाए और छोटे छोटे रेन वाटर के अंदर बैक्टीरियाज देखे। अब इन्होंने इनको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स और पहली बार लाइव सेल्स जो थे वो एंटनी वन ल्यूवन हुक ने देखे। फिर अब सेल तो होता है, सेल की डिस्कवरी तो हो गई। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, इन्होंने क्या करा, जो एनिमल क्यूल्स ये था इन्होंने एंटनी वन ल्यूवन हुक ने 1674 में देखा था, ये है ना। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने बुक में सेल का जिक्र करा, एंटनी वन ल्यूवन हुक ने 1674 में जो एनिमल क्यूल्स देखे, और इसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन साहब, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की। तो इन्होंने देखा सेल तो होता है, सेल के बीच में कुछ मटेरियल होता है जिसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ से सेल आई। अब फादर पितामह किसको कहा जाता है, जिन्होंने सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हो, बहुत सारी डिस्कवरीज करी हो, सेल की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हो। तो जो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं वो हैं सीपी स्वेंसन, और इंडियन साइटोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, एके शर्मा, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे इंडिया में जो सेल साइंस सेंटर्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट वो सॉरी सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, ऐसे बहुत सारे, दो तीन तो हैं ही, एक एडवांस सेंटर भी है सेल और क्रोमोजोम का कोलकाता में। तो ऐसे सेल सेंटर्स भी हैं जहाँ पे सेल के ऊपर वर्क होता है। अब सेल थ्योरी, अब सेल करते क्या है,
है ना, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी डिस्कवरी करी स्केल्डन और शेकमोन ने। जो स्केल्डन थे ये एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में ये बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, है ना। शेकवॉन एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं। तो इन दोनों से ये समझ में आया जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं सेल का, है ना। तो क्या हुआ, इसी टाइम पर एनिमल सेल्स पे डिस्कवरी करते वक्त शेकवॉन ने बहुत सारे प्लांट्स को भी स्टडी करा। इन्होंने ये पाया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर से अलग होती है। तो प्लांट के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने ये देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल्स के अंदर भी होती है लेकिन सेल वॉल के अंदर। तो आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल्स की कौन सी हो गई, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स की हो गई सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद ये थ्योरी थोड़ी अधूरी सी लग रही थी, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि हम सेल से मिलके बने हैं, एनिमल्स और प्लांट्स सब सेल से मिलके बने हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कहाँ से आए। तब रुडोल्फ वर्चू ने 1855 में इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा और ये बताया जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग पुराने सेल्स से मिलकर ही बनते हैं। एक सेल है, ये जब डिवाइड होगा तो इससे दो सेल्स बनेंगे, अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो इससे ये दो सेल, इससे और दो सेल, यानी कि चार सेल बनेंगे। इस तरीके से पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। इसको इन्होंने टर्म दिया ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला ई सेल्यूडी, है ना, ये टर्म इन्होंने दिया था, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सेल के ओवरव्यू की बात करते हैं। सेल हमने देखा कि जितने भी और, एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ और बता देते, ये देखिए जो सेल होते हैं, है ना, अगर बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो किसके मिलके बने होते हैं, सेल के से मिलके बने होते हैं। अगर सारे ऑर्गेनिज़म सिंगल सेल से मिलके बने हैं तो उनको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। अगर बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, अलग मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं, तो उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अगर सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म है तो उसके अंदर, एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस होंगे जो भी लिविंग सेल्स को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। मल्टीपल सेल में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और हेल्प करके सर्वाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, है ना। सेल में दो चीज़ और होती हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक, सॉरी, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं जबकि कुछ यूकैरियोट होते हैं। होता क्या है, एक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म भी होता है, ऐसे समझाती हूँ। ये देखिए, ये सेल है, ये सेल का पूरा स्ट्रक्चर है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इस सेल की आउटर मोस्ट ये वाली जो लेयर है ये सेल की कवरिंग है। सेल वॉल भी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा सेल है। अब इसके बाद जो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स के अलावा जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस फ्लूइड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको बोला जाता है, सॉरी, ये वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर एक और चीज़ होती है, ये वाला जो मेन बीच का पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए किस में हेल्प करता है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, वो सेल की फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे ये सारे ऑर्गेनेल्स वगैरह बनते हैं। तो जो सेल होता है उसके स्ट्रक्चर में तीन मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है बाहर की मेम्ब्रेन, एक होता है बीच का न्यूक्लियस और एक होता है फ्लूइड जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस सेल की हमने अभी बात करी उस सेल में क्या था, जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, देखिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे हमने न्यूक्लियस की बात करी तो न्यूक्लियस के बाहर की एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे कि वो हमें गोल गोल दिख रहा था, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता,
ठीक है, प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, इसलिए हम इनको यूकैरियोट कहते हैं। अब जिनके अंदर ये वाला सेल स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, किंगडम मोनेरा के जितने भी ग्रुप आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, जितने भी हायर ग्रुप्स होते हैं वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे चलें, अब हमने सेल थ्योरी की बात करी थी, अब हम सेल का ओवरव्यू लेते हैं, जिस पे हमने बात कर ली है कि जितने भी सेल होते हैं वो बाउंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो इंटीरियर होता है सब सेल्स का वो एक साइटोप्लाज्म नाम के फ्लूड से भरा हुआ होता है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल पे अभी रुक जाइए, आगे हम इस पे बात करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या फिर आरएनए। बेसिकली क्या होता है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं उनके अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, अमाइनो एसिड्स के साथ दोस्ती करता है और प्रोटीन बनाता है ना। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है ना ऑर्गेनिज्म का। अब सेल के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन तो सिंथेसाइज करता ही करता है, साथ में न्यूट्रिएंट से को यूटिलाइज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, है ना। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गेनिज़म्स बनाते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म्स होता है ये सिंगल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर अपना वर्ल्ड की पॉपुलेशन बनाती हैं। ये आगे का कंसेप्ट हो गया, बायोलॉजी में सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म तक की बात करते हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं सेल की शेप की, उससे पहले सेल के स्ट्रक्चर की। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल बाउंड्री, ठीक है। जो सेल बाउंड्री होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि मैक्सिमम में होती है सेल वॉल, है ना, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, है ना, इन सब के अंदर क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं एनवलप, कुछ होते हैं नॉन एनवलप। जो एनवलप बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो कि पॉलीसैकेराइड के मिलकर बनती हैं, है ना। एक है ना म्यूकस टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कवरिंग होती है, जो सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उसको बचाती है मैक्रोफेजेस या फिर इम्यून सिस्टम से, हमारे इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो होती है एक मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। अब जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इन सब से नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है क्या होता है, जैसे हमने बात करी कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है वो या तो सेल वॉल है या फिर सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर जो फ्लूड होता है, ये जो फ्लूड नॉर्मली जो फ्लूड होता है, जब इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ फ्लूड होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। आपने एक और वर्ड सुना होगा साइटोसोल, जिस पर मैंने आपसे बात करी थी, इस पर आगे बात करेंगे। ये होता है हाइलोप्लाज्म को हम साइटोसोल कहते हैं, है ना। जो सिंपल जो फ्लूड होता है इसके अंदर, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। अब एक और चीज़ है ना, अब ये हो गया, अब इसके अंदर क्या है, ये फ्लूड तो है ही, है ना, ये देखिए ये फ्लूड हो गया, ये हमारा हो गया साइटोसोल, जिसको हम हाइलोप्लाज्म कह रहे हैं। अब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स और आ गए, है ना, ये जो ऑर्गेनल्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स,
है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, लाइजोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, प्लास्टिड, सीलिया, ये फ्लैजिला, सेंट्रोजोम, राइबोजोम, माइक्रो बॉडीज, ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, जो सेल के साथ मिलकर काम करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, जिसको हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। अभी जो नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स होती हैं, ये या तो ये है ना, ये लिविंग नहीं होती, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अभी जो नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, इसको हम ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि रिजर्व प्रोडक्ट्स, ये लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं होते, पहले ही बता दूँ, ये रिजर्व प्रोडक्ट्स होते हैं, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सेल की वर्किंग के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, या फिर सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, है ना। तीन तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इससे बाहर निकलते हैं। रिजर्व प्रोडक्ट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, फैट्स, ऑयल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि एल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल, गम्स, लेटेक्स, टेनिन, रेजिन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि कलरिंग मैटर, नेक्टर, ये सब सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। और फिर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है ना, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जाके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब हम आगे चलते हैं शेप, सेल के शेप की बात करते हैं। शेप एक्चुअली वेरी करता है, सब में वेरी करता है। हर मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में बहुत सारे शेप देखने को मिलते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि राउंड और बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर अमीबॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग नैरो कॉलम शेप के होते हैं, है ना। नर्व सेल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। किडनी शेप गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये अलग अलग शेप हैं, और भी बहुत सारे शेप हैं, जैसे कि ओवम का स्फेरिकल शेप, स्पर्म का टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें। वाइट ब्लड सेल गोल गोल स्फेरिकल देखने को मिलते हैं। न्यूरॉन हमने बात करी, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव, है ना। ये सारे जो सेल्स होते हैं इनके अलग अलग शेप होती है ना। तो आज के लिए हम इतना ही, इस पे ही हम रोक रहे हैं। कल हम बात करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पर। अगर आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।